तो फिलासफर जो होते हैं ना, फिलासफर दे आर नॉट एज मच ईजी एज कम एज लाइक अदर असाइनमेंट्स। फिलासफर के पीछे एक फिलासफी होती है, उसको समझना होता है। कार्ल मार्क्स और बर्टोल्ड ब्रैकट से दोनों से वो इन्फ्लुएंस है रेमंड विलियम। रेमंड विलियम जिस चीज़ को डिस्कस करता है वो कहता है कि क्लास डिफरेंस खत्म होना चाहिए। सो ट्रेजिडी डज नॉट बिलोंग टू अ स्पेसिफिक रॉयल फिगर और फ्यूडल लॉर्ड और बैरन और किंग और क्वीन और समथिंग लाइक दैट। ही वॉन्ट टू फिनिश क्लास सो दैट ऑल शुड बी एंजॉइंग इक्वल वैल्यूज। सो हाउ यू पीपल आर गोइंग टू एंजॉय इक्वल वैल्यू वंस यू आर गिवन क्लासलेस सोसाइटी। जब क्लासलेस सोसाइटी होगी तो सारों को प्रॉपर ट्रीट किया जाएगा। आपके सामने कार्ल मार्क्स की तस्वीर जो है वो आपको नजर आ रही होगी। He belongs to Germany. Along with he had one of friend Frederick Engels. So they both worked on communism. They started working on communism. They want to have a classless society. According to Frederick Engels and Karl Marx, they both belong to Germany, but they had to move place to place because their ideas were quite revolutionary. Wherever they go, people started criticizing. What kind of society you want? First they wrote communism manifesto like that. They wrote pamphlet communism manifesto, and after that they wrote Das Kapital. So both that was their unanimous effort. Inki unanimous sir. Haan ji sir, kozi aapko marwani hai wo nahi hai kozi chalo main check karta hu. Haan ji फौजिया नहीं है, फौजिया ने शोर बहुत मचाना है। आई वॉन्ट दैट फौजिया शुड बी ओवर हियर। उन्होंने कहा कि दोबारा आई, मैं अब करता हूँ अप्रूव। फौजिया के बगैर रौनक नहीं होती क्लास में। फौजिया हमारी पुरानी स्टूडेंट है। हाँ यस फौजिया, आर यू ओवर हियर? Fauzia, are you over here? Are you listening to me? No, I am present. Okay, welcome. So today we are going to discuss, because our writer Raymond William, he influenced from two writer. One is Bertolt Brecht and second is Karl Marx. In today's assignment, what I'm going to teach you, I will give you some certain concept related to Karl Marx. Then I walk you through all concept, and after that we'll move to the assignment. So Karl Marx is he belongs to Germany. He and along with his friend Frederick Engel and everything is written in the assignment, you don't worry. So just listen to the point. Frederick Engel and our writer Karl Marx, they both belong to Germany. They had a different and strange idea. The idea is that we should create classless society. So how you are going to create classless society? You are going to classless society when you finish class system. According to Marxist theory, Marxist and the follower of the Marxism, they believe that the capitalists, they are exploiting the right of the poor people. So how they are going to exploit the capitalists are like the bourgeois class. कैपिटलिस्ट वो लोग हैं जो बोर्जुआ क्लास से ताल्लुक रखते हैं, जो कैपिटलिस्ट हैं और ये जो मैनेज करते हैं किसको, जो फोर वैल्यूज को मैनेज करते हैं। उनके नाम लिख लें, लैंड को, लेबर को और कैपिटल को, और उसके बाद प्रॉफिट को, या उसको एंटरप्रेन्योर भी कहते हैं। एंटरप्रेन्योर का मतलब मुनाफा। कि एक कैपिटलिस्ट जब कोई इंडस्ट्री लगाता है या ओवरऑल उसको मैनेज करता है तो उसके अंदर जो मजदूर काम करता है उसको वो वैल्यू नहीं मिलती, कार्ल मार्क्स कहता है, जो उसे मिलनी चाहिए। मिसाल के तौर पर मैं किसी अदारे में काम करता हूँ, मेरी सैलरी है वहां पे 10,000, ठीक है, मैं एक जस्ट सपोजिशन दे रहा हूँ। जबकि जो मैं वर्क कर रहा हूँ वहां पे जिस अदारे के अंदर, जो मैं अपनी लेबर दे रहा हूँ, जो मैं उसके अंदर वर्क कर रहा हूँ, उसके मिनट उसे वो लेता है 1 करोड़। अब मुझे वो 10,000 देता है, खुद लेता है कितनी, 1 करोड़। कहता है कि इस दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है, इसकी वैल्यू सरप्लस बहुत है। सरप्लस मीन के बहुत ज्यादा डिफरेंस है,
उसके मुनाफे में कि सारा मुनाफा 1 करोड़ का उसके अकाउंट में चला जाता है। तो मैं जो इतनी चीजों को वैल्यूएबल बना रहा हूँ या मैं वहां पे वर्क कर रहा हूँ या मैं किसी फैक्ट्री के अंदर, किसी बिस्किट फैक्ट्री के अंदर, किसी सीमेंट फैक्ट्री के अंदर, जिस फैक्ट्री के अंदर मजदूर काम कर रहा है, कहता है कि उसको उसका फायदा नहीं मिलता। तो वो तो यानी कोई इतनी अमाउंट नहीं बनती पर डे के हिसाब से, तो वो कम, बहुत कम बनेगी। जबकि वो कहता है कि वो बहुत ज्यादा मुनाफा ले जाता है जो उसका कैपिटलिस्ट होता है, जो उसको इन्वेस्ट कर रहा होता है, तो सारा पैसा तो कहता है वो ले जाता है। तो लेबर जिसने एक आम चीज को बड़ी वैल्यूएबल बना दिया, मिसाल के तौर पर एक बढ़ई है, वो आप उसको वुड दे दें तो वो बड़ी खूबसूरत आपको चेयर टेबल इस तरह की बड़ी चीजें बना देगा। कहता है उसने अपनी अपने आर्ट, अपनी वैल्यूज और उसने उसके ऊपर इतना वर्क किया, जबकि वो बिल्कुल कहता है कुछ, यानी कुछ नहीं था उसने उसको कुछ बनाया। तो जो बनाने वाला है कहता है कि उसको उसकी वैल्यू नहीं मिलती और उस बड़ा सरप्लस वैल्यूज आ जाती, यानी वैल्यू जो है उसके दरमियान सरप्लस हो जाती है। मीन टू से द बेनिफिट द ओनर इज गेटिंग, द बेनिफिट अ लेबर इज गेटिंग, दिस देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। दिस ही सेज दैट इफ यू वांट टू फिनिश दिस, ऑल द वर्किंग क्लास, ऑल द पीपल दे बिलोंग टू द पीसेंट्स, फार्मर, वर्किंग क्लास, लेबरर्स एंड ऑल शुड कम टूगेदर एंड दे शुड फिनिश दिस क्लास। क्लासलेस सोसाइटी बनाओगे तो कहता है फिर हम यानी एक इक्वल राइट्स दे सकते हैं। अब ये आइडिया जहां जहां जाता है वो उसको निकाल देते हैं। आपको पता है कि ज्यादा लोग तो कैपिटलिस्ट हैं और वो ये कारोबार करते हैं। जहां पे फ्रेडरिक एंजल और कार्ल मार्क्स जाते वो कंट्री वाले खतरे में पड़ जाते। कार्ल मार्क्स की डेथ के बाद ये इतने आइडियाज, इसके आइडिया इतने प्रवेल हुए, प्रमोटेड हुए, चाइना ने अडॉप्ट किए, सोशलिज्म आ गया, रशिया ने उसको अडॉप्ट किया, बहुत सारे कंट्रीज ने अडॉप्ट किया, किसी ने मिक्सचर मेथड अडॉप्ट किया, यानी डेमोक्रेसी प्लस कम्युनिज्म, जैसे स्वीडन है, जैसे कनाडा है, इस तरह के कंट्री ने इनको मिला के इसके आइडियाज कुछ डेमोक्रेसी के कुछ इस तरह मिला के जब यूज किए। हाँ जी, कोई क्वेश्चन है बोलिए। सर, मेरे ख्याल में मैं ज़रा लेट हो गई हूँ। रेमंड विलियम पढ़ रहे थे ना हम कल, तो ये जिन मुझे जी बोलिए, आपने आप क्या कह रही हैं, मुझे आपकी समझ नहीं आ रही। सर, रेमंड विलियम पढ़ रहे थे ना कल, तो इस इनका बहुत अच्छा इनसे क्या कंसर्न है, मैं लेट समझ लगी असाइनमेंट की। अच्छा, ये असल में जो आज की असाइनमेंट हम पढ़ेंगे, कल मुझे एक क्वेश्चन किया था सबा रशीद ने कि ये फ़लासफ़र जो है, जिन फ़लासफ़र से वो इन्फ्लुएंस्ड है उनकी हमें समझ नहीं आई। तो मैंने ये असाइनमेंट इसलिए रखी है ताकि इन फ़लासफ़र को समझाऊं, क्योंकि बर्टोल्ड ब्रैकेट तो हमने पहले पढ़ा था, उसको तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया, कार्ल मार्क्स आपने नहीं पढ़ा। तो वो अपनी ट्रेजेडी थीरी के अंदर कार्ल मार्क्स का कंसेप्ट देता है। जो हम असाइनमेंट पढ़ेंगे आज, जो मैं आपको पढ़ाऊंगा, उसके अंदर इसका कंसेप्ट आएगा, और ये तब तक समझ नहीं आएगा जब तक मैं ये नहीं पढ़ाऊंगा। ये बाबा जो आपको नजर आ रहा है सामने, इसको समझना बहुत जरूरी है। ये फिलासफर है जिससे वो इन्फ्लुएंस्ड है। आप पता चल गया? ओके, यानी ये उससे रेमंड विलियम जो है वो इस बाबे से इन्फ्लुएंस्ड है। हाँ, और उसका जो काम है वो वो इससे और बैटल ब्रैकेट से इनकी थीरी यूज करके वो बेसिकली ट्रेजिडी की जो थीरी है उसको रिजेक्ट करेगा अरिस्टोटल की। कि वो क्लासलेस, वो क्या कहते हैं कि सोशल, वो क्या कहता है, वो कहता है कि एक रॉयल होना चाहिए, अरिस्टोटल कहता है। जबकि हमारा जो मॉडर्न राइटर है रेमंड विलियम, उसने उसको रिजेक्ट करना है, तो वो किसी थीरी के बेस पर रिजेक्ट करेगा, कार्ल मार्क्स की थीरी यूज करेगा, बर्टोल ब्रेक्ट का कंसेप्ट यूज करेगा, इसके बाद फ्रिडरिक नीचे का करेगा। तो उसने डिफरेंट फिलासफर जो है डिस्कस किए हैं उस थीरी को, अपने कंसेप्ट को उसने तकवीत देने के लिए। इसमें ये जो दो राइटर हैं, एक ये है और एक बर्टोल ब्रेक्ट है, इनका मेन किरदार है जिससे वो ज्यादा मुतासर है। तो क्लासलेस सोसाइटी जब होगी तो तब ही आप ट्रेजेडी ऐसी लिख सकेंगे जो एक मजदूर की भी ट्रेजेडी बताए और एक रॉयल फिगर की भी ट्रेजेडी बताए। तो ये जो सामने आपको बाबा नजर आ रहा है, जिसकी असाइनमेंट अभी हम पढ़ेंगे, कार्ल मार्क्स इसका नाम है, जर्मन फिलासफर है, जर्मनी में पैदा हुआ, और इसके साथ इसका एक दोस्त था, उसका नाम था फ्रेडरिक एंजल, जिसने इसको बहुत प्रमोट किया। मिसाल के तौर पर अगर वो निकल गया है किसी कंट्री में
तो ये निकला है तो वो भी उसके साथ निकला है बिकॉज दे हैव अ डिफरेंट स्ट्रेंज काइंड आइडिया दैट क्लास वी शुड क्रिएट क्लासलेस सोसाइटी हाउ वी आर गोइंग टू क्रिएट द कैपिटलिस्ट द प्रोलेट यू नो दैट द क्लास लाइक द बोर्जुआ क्लास एंड द कैपिटलिस्ट और बोर्जुआ एक ही क्लास है यानी ये वो क्लास है जो पैसे लगा के मजदूर से काम तो ले लेती है लेकिन उनको उनकी वैल्यू नहीं देती। मिसाल के तौर पर मैं सिंपल सी मिसाल देता हूँ, एक बंदे ने चीज खरीदी 8 रुपए की, वो दे दी किसी वर्कर को, ठीक है उसने चले 10 रुपए की खरीदी, उसने उस चीज को बना दिया वर्कर ने 100 रुपए का, ठीक है अब 10 रुपए की चीज खरीदी 100 रुपए की उसने बना दिया, उसको आपने 10 रुपए दे दिए, 80 रुपए आपने अपनी जेब में डाल लिए। अब मुझे बताएं कि 10 रुपए और में 80 में कितना फर्क है? फर्क है, मैंने सिंपल सी मिसाल दी है। वो कहता है कि ये सरप्लस वैल्यू है, इसको उसने दिया था, इसने सरप्लस वैल्यू थी, इसके ऊपर मैंने पहले भी लेक्चर दिया, वो भी सुनिएगा ये भी सुनिएगा, आपके ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अच्छा ये अब आपको बताएगा कि व्हाट वी नीड टू क्रिएट क्लासलेस सोसाइटी, हम क्लासलेस सोसाइटी कैसे क्रिएट करेंगे। आज की जो असाइनमेंट हमने पढ़नी है रेमंड्स व्यू ऑन द ट्रेजेडी, ट्रेजेडी के ऊपर रेमंड के क्या व्यू है, इसमें रेमंड विलियम डिस्कस करेगा, इसमें वो आपको बताएगा कि कॉन्टेम्प्ररी और कस्टमरी कंसेप्ट ऑफ द ट्रेजेडी, वो बताता है आर्गुमेंट और बड़ी परसुएसिव लैंग्वेज के जरिए आपको बताता है कि जो पुराना कंसेप्ट था ट्रेजेडी का वो क्या था और मॉडर्न कंसेप्ट क्या है। जो पुराना कंसेप्ट था ट्रेजेडी का वो था कल्चर बेस्ड, फॉर एग्जाम्पल सोफोकली और एस्किलिस टॉक अबाउट द यूरिपिड्स, दे वर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ देयर कल्चर, वो अपने रिप्रेजेंटेटिव थे कल्चर के और दे वर रिप्रेजेंटिंग और व्हाट हैपन्ड, कहता है कि कोरस जो था एक असेंशियल एलिमेंट था ट्रेजेडी का लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम वो भी रिमूव्ड हो गया। मेडिवल एज और कहता है ग्रीक एज की ट्रेजेडी मिलती जुलती है, वहां पे भी मजहब को ज्यादा अहमियत हासिल है, मेडिवल एज में भी तकरीबन मजहब को ज्यादा अहमियत हासिल है। विद द पैसेज ऑफ टाइम वो कहता है जो मेडिवल एज की ट्रेजेडी थी वहां पे फ्यूडल लॉर्ड को ज्यादा अहमियत दी जाती थी, बट आप अगर क्लासिकल एज में आ जाएं जो अलेक्जेंडर पॉप की एज है, ड्राइडन की एज है, जॉनसन की एज है, इस तरह की एज में क्या थी सोसाइटी फ्यूडल से किसकी तरफ ट्रांसफर हो गई थी, एरिस्टोक्रेटिक की तरफ। हमने पढ़ा ना उसमें वो एरिस्टोक्रेटिक की बात करते हैं, लॉर्ड बन गए हैं, बैरन बन गए हैं, एरिस्टोक्रेटिक लोग हो गए हैं, एरिस्टोक्रेटिक लेडीज हो गई हैं, यानी वो गांव से निकल के विलेजेस के जो फ्यूडल वगैरह थे वो वहाँ शहरों के नवाब बन गए आके। तो वो चेंजेस कहता है देयर आर चेंजेस, यू पीपल हैव टू एक्सेप्ट दिस, देयर आर चेंजेस। वो कहता है चेंजेस आई है, फिर वो कहता है न्यू क्लासिसिज्म की ट्रेजेडी और है, और फिर उसने यहाँ पे इसी असाइनमेंट के अंदर ये भी डिस्कस किया है इसका मार्क्सिस्ट का। वो कहता है जी विलियम लाइक द ट्रू मार्क्सिस्ट बिलीव दैट द ट्रेजेडी इज द रिजल्ट ऑफ द सोशल डिसऑर्डर, वही बात आ गई जो मैं आपको बता रहा हूँ कि इसके अंदर उसने फिर बताया कि मार्क्सिस्ट की तरह चूंकि वो उससे इन्फ्लुएंस्ड है, मार्क्सिस्ट थे दैट द सोशल द रियल कॉज ऑफ ट्रेजेडी इज अ सोशल डिसऑर्डर। क्या है मॉडर्न ट्रेजेडी, किस बेस पे बनती है ट्रेजेडी, कैसे सोशल के समाज मेरे बारे में क्या कहेगा, हेडा गैबलो कहती है समाज मेरे बारे में क्या कहेगा, आप इसी तरह एडवर्ड बॉन्ड का जो सी है उसमें देख लें वो भी समाज हमारे बारे में क्या कहेगा, आप आगे आ जाएं नोरा का जो कंसेप्ट है डॉल हाउस के अंदर, समाज मेरे बारे में क्या कहेगा, समाज को चैलेंज करते हुए नजर आएंगे। ट्रेजेडी जो है अक्कर होने के बाद भी सोल्यूशन फाइंड करने की कोशिश की जाती है, जैसे एंटन शेकफ को हमने पढ़ा कि ट्रेजेडी हो गई, बेटा मर गया, हस्बैंड की डेथ हो गई, तो वो कहाँ चली गई, मैडम रेनफ्स्काय, मैडम रेनफ्स्काय हमने देखा कि वो फ्रांस चली गई। भाई क्यों फ्रांस चली गई, वो इसलिए फ्रांस चली गई कि ट्रेजेडी क्योंकि अब मॉडर्न दौर है, अब ट्रेजेडी के बाद भी दिखाया जाता है भाई आगे क्या होता है, यानी पुरानी ट्रेजेडी में ये था कि जब हीरो के ऊपर कोई ट्रेजेडी आई तो एंड हो जाता था, बट हियर यू नो ट्रेजेडी हैज अकर्ड, मैडम रेनफ्स्काय शी हैज मूव टू द फ्रांस over there once again she is going to reinitiate her relation with the lover is calling her and she went there ultimately she moved to France so it means that after tragedy they are finding solution modern tragedy mein kya hota hai ki aapko tragedy hi wahan pe shuru ki jayegi jahan pe occur ho chuki hai uske baad wo shuru ho jati hai life to wo us Raymond Williams ne bhi apni is book ke andar yahi kaha usne kaha ki tragedy ek figure pe khatam nahi ho jati royal figure
ट्रेजडी सारों पे अप्लाई होती है. ट्रेजडी कैन बी अप्लाइड ऑन द ले मैन, ऑन द यू कुड से लोअर क्लास एज मिडिल क्लास एज वेल एज अपर क्लास. सो यू शुड नॉट लिमिटाइज इट. फर्दर ही सेज दैट वी आर नॉट गोइंग टू शो द सफरिंग ऑफ द प्रोटैगोनिस्ट, वी हैव टू शो थ्रू द प्रोटैगोनिस्ट. हमने ये बताना कि प्रोटैगोनिस्ट के थ्रू क्या हुआ, हमने ये नहीं बताना कि प्रोटैगोनिस्ट के साथ क्या हुआ. तो उसने बहुत सारी चेंजेस वगैरह की. और ये सरप्लस वैल्यू, थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू आपको समझ आ गई, क्लासलेस आप सोसाइटी कैसे बनाएंगे, ज्यादा फायदा कैपिटलिस्ट ले जाते हैं. कार्ल मार्क्स ने कहा, लुक हु इज कार्ल मार्क्स. पहले तो कार्ल मार्क्स के बारे में थोड़ा सा लर्न कर लीजिए. मार्क्स वॉज अ जर्मन फिलासफर, इकोनॉमिस्ट, सोशलिस्ट, सोशियोलॉजिस्ट, हिस्टोरियन, जर्नलिस्ट एंड द रेवोल्यूशनरी सोशलिस्ट. मैंने बताया कि जहाँ जहाँ जाता, जिस कंट्री में जाता, लोग उसको निकाल देते, भाई आपके तो आइडिया बड़े स्ट्रेंज हैं, रेवोल्यूशनरी हैं. लोग परेशान हो जाते, कैपिटलिस्ट परेशान हो जाते, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट परेशान हो जाते, ये किस तरह की सोसाइटी चाहता है, ये किस तरह का रेवोल्यूशन चाहता है. ही वॉन्ट्स दैट वी शुड बी रिमूव्ड, ही वॉन्ट दैट द कैपिटलिस्ट शुड बी रिमूव्ड. सो रिमूव, किक आउट दिस पर्सन फ्रॉम लैंड. So they just remove him from this land, they banish from this land to that or the other, and he moves even to the London, to Paris, and even to the France and Germans and like that. He was inhabitant of the Germany, then went to France, and even to England, and so on and so forth. बहुत सारे कंट्री में ये फिरता रहा क्योंकि इसके आइडिया को वो सपोर्ट नहीं करते थे. इवन इसको फॉलो करता हुआ इसका दोस्त फ्रेडरिक एंजल जो है वो भी इसको साथ फॉलो करता है. पहले ये कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखते हैं पंफलेट, उसके बाद ये मिलकर डास कैपिटल लिखते हैं. उसमें ये बताते हैं कि किस तरह हम इकोनॉमी को ठीक कर सकते हैं, किस तरह एक क्लासलेस सोसाइटी फॉर्म कर सकते हैं. और इनकी इसकी डेथ के बाद में बहुत ज़्यादा वर्क हुआ, लोग इसके फॉलोअर बन गए. रशिया, चाइना और इस तरह के बहुत सारे, स्वीडन और कनाडा और इस तरह के कंट्रीज, उन्होंने इसको अडॉप्ट किया सिस्टम. मार्क्स वाज अ जर्मन फिलासफर, आपको नजर आ रहा होगा. मार्क्स वाज अ जर्मन फिलासफर, इकोनॉमिस्ट, सोशियोलॉजिस्ट, हिस्टोरियन, जर्नलिस्ट एंड रेवोल्यूशनरी सोशलिस्ट. मार्क्स वर्क इन द इकोनॉमिक laid the basis for the current understanding of labor and its relation capital and has influenced much of the subsequent economic thought. यानी बहुत सारी economics था. स्वीडन ने अपनाया इस thought को तो बहुत ज़्यादा तरक्की कर गया. कनाडा ने अपनाया इस thought को मिला के डेमोक्रेसी के साथ तो बहुत ज़्यादा तरक्की कर गया. हम लोग जो हैं डेमोक्रेसी के पीछे पड़े हुए हैं और हमने जितनी तरक्की की है वो आपको नजर आ रही है. मार्क्स बोर्न इनटू a wealthy middle class family in Trier. Marx studied at the University of the Bonn, at the University of the Berlin, where he became interested in the philosophical. Yani ye philosopher bhi tha, social critic bhi tha, theek hai, aur economist bhi tha. Ye sari iski iski characteristic hai. Idea of the young Hegelian. He moved to Paris 1843. Where he began writing for the radical newspaper and met the Frederick Engels. Frederick Engels से ये कहाँ मिला है? He moved to Paris. Paris गया है. Paris में जाने के बाद इसकी मुलाकात हुई Frederick Engels से. Frederick Engels का ये दोस्त बन गया, वो इसके आइडिया से इन्फ्लुएंस हो गया. इन्होंने मिलके कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिख दिया, उसके बाद इन्होंने डास कैपिटल लिख दी. लोग इसको इन्फ्लुएंस होते गए, ये फिलासफी का प्रचार हुआ, यूरोप में फैली. इवन कि आपने देखा, हमने पढ़ा.